हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। समर्स आर ऑन पीक एंड इस टाइम पर स्किन के साथ बहुत तरीके के इश्यूज होते हैं, लाइक स्किन का डल हो जाना, डिस्कलरेशन, स्किन पे जगह जगह पे टैनिंग, पिगमेंटेशन के मार्क्स, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो समर्स में ही अराइज होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसी फेस मास्क की रेसिपी लाऊं जो कि फेस पे होने वाली ये सारे इश्यूज को एड्रेस करेगा, साथ ही में आपकी स्किन पे ग्लो एंड रेडियंस भी लाएगा। एंड समर्स के लिए तो बिलीव मी इट इज गोइंग टू डू मैजिक ऑन योर स्किन। सेकेंडली, ये आपको एक दो बारी में रिजल्ट नहीं आएगा, इंस्टेंट ग्लो ऑफकोर्स आपको जरूर दिखेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके वो जो स्टबन से स्पॉट्स है फेस के ऊपर वो जल्दी से जाए, तो आपको पेशेंसली इसको एटलीस्ट दो से तीन महीने करना पड़ेगा एंड वीक में एटलीस्ट 3 to 4 times आपको ये करना ही होगा। तो ये बहुत ही इजी फेस मास्क रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट्स ही आपके किचन में से ही अवेलेबल होंगे। यहाँ सबसे फर्स्ट मैं ले रही हूँ राइस फ्लावर। यहाँ पे ये मेरे पास रेडीमेड राइस फ्लावर था। आप चाहे तो अपने घर में 1 से 2 चम्मच चावल लेके उसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। मैं कहूंगी इसको आप थोड़ा सा सीव कर ले, अच्छे से एक बस को छान ले। इसे छानने से होगा क्या कि आपके जो राइस फ्लावर की जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल लाइक स्मूथ हो जाएगी, आपके फेस के ऊपर कुछ भी रफनेस नहीं रहेगा। इनकेस अगर आपको आपके फेस के ऊपर साथ ही साथ स्क्रबिंग भी करनी है तो आप इसको मत छानिए, इसको कोर्स ही रहने दीजिए। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सबसे पहले 1 tablespoon राइस फ्लावर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है कस्तूरी हल्दी। ठीक है, ये रेसिपी में हम कस्तूरी हल्दी यूज कर रहे हैं। मैं कई सारी रेसिपीज में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कस्तूरी हल्दी जो है आपके घर की रेगुलर हल्दी नहीं होती है, ये ब्यूटी रेसिपीज में यूज किया जाता है कस्तूरी हल्दी को। एंड ये आयुर्वेद के टाइम से यूज होता आ रहा है हर तरीके के उपटन में, चाहे दुल्हन के उपटन हो, चाहे बॉडी पॉलिशिंग के उपटन हो, किसी भी तरीके का उपटन हो, उसके लिए जो हम हल्दी यूज करते हैं दैट इज कस्तूरी हल्दी। और ये कस्तूरी हल्दी आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैं सारी चीजों के लिंक्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग उस लिंक से भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो कस्तूरी हल्दी अगर आप लेंगे तो यहाँ मैंने 1/2 teaspoon लिया है। अगर आप घर की रेगुलर हल्दी ले रहे हैं तो आप बिल्कुल चुटकी भर लेंगे, क्योंकि रेगुलर हल्दी जो है फेस पे टैनिंग को बढ़ा देता है, तो आप बिल्कुल चुटकी भर ये रेगुलर हल्दी लेंगे। ओके, तो यहाँ हमने 2 ingredients अपने ले लिए हैं। फर्स्ट हमने लिया राइस फ्लावर, सेकंड हमने लिया कस्तूरी हल्दी, एंड थर्ड प्रोडक्ट जो हम लेंगे वो लेंगे हम अपनी दही। ओके, तो ये मैंने होममेड दही जो है यूज किया है। आप कोई भी नॉर्मल मार्केट बॉट दही भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर तो आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है तो आप दही का ही यूज करेंगे, एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है या काफी ज्यादा ऑयली है तो आप कच्चे दूध का यूज करेंगे। ओके, उस केस में आप दही यूज नहीं करेंगे, आप कच्चा दूध यूज करेंगे। एंड प्लीज मेक श्योर दूध कच्चा ही हो, प्लीज बॉइल्ड दूध का यूज मत करिएगा, अगेन उसमें फैट का डिपोजिशन अच्छा खासा हो जाता है, तो आप कच्चा दूध ही यूज करिएगा। एंड अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा मार्क्स एंड बहुत ज्यादा टैनिंग है, स्पेशली टैनिंग अगर बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है कि फेस काफी ज्यादा डल हो रहा है, फेस पर टैनिंग एंड डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा है, पिगमेंटेशन काफी ज्यादा है, तो उस केस में आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाएंगे, आधा नींबू नहीं, आधे से बहुत थोड़ा, लाइक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आपको उसमें ऐड करना है। यहाँ पे आप फेस पैक का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इस तरीके का थिक कंसिस्टेंसी का बनना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है अपने होममेड फेस वॉश से, एंड अब मैं इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँ। पूरे फेस पे आप अच्छे से पैक को अप्लाई करिए, डोंट फर्गेट योर नेक एरिया एंड योर ईयर्स, जहां जहां पे आपको टैनिंग है, हाथों में, पैरों में, आप सब जगह पे इसको अप्लाई करिए। मैंने यहाँ इसको सिर्फ अपने नेक पे एंड अपने फेस पे ही नहीं, मैंने अपने हाथों पे भी अच्छे से अप्लाई किया है। देन जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आपको थोड़े से पानी के साथ अपने पैक को डैम्प करना है। डैम्प करके आप अच्छे से इसको मसाज करेंगे, 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं, बस इतना कि वो अच्छे से जो है सॉफ्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक माइक्रोफाइबर टॉवल। आप भी कोशिश करिएगा कि आप माइक्रोफाइबर टॉवल ही यूज करें, आप डायरेक्ट कोई कॉटन या फिर कॉटन का कपड़ा डायरेक्टली मत यूज करिएगा, या तो मलमल का कपड़ा यूज करें या फिर माइक्रोफाइबर टॉवल जो होता है उसका यूज करें, एंड उसको डैम्प करके स्क्वीज करके देखिए। यहाँ पे मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ एंड आपको इंस्टेंटली फेस जो है कितना क्लियर एंड एकदम साफ आपको दिख रहा होगा।
इस रेमेडी को अगर आप वीक में 2 से 3 बार कर लेते हैं एंड अगर आप 2 से 3 महीने को आप कंटिन्यूस रखते हैं इस रेमेडी को, तो आपको आपके फेस पे कैसे भी स्टबन मार्क्स हो वो जाते हुए दिखाई देंगे, प्लस टैनिंग तो आपको 1 वीक के अंदर ही उसका रिजल्ट आपको आपके स्किन पर शो हो जाएगा। इसके बाद मैं शावर लेके अपना रिमेनिंग फेस केयर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने रोज़ वाटर लिया है, ऑर्गेनिक रोज़ वाटर, एंड उसको एज अ टोनर अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके अच्छे से पैटिंग मोशन में स्किन के ऊपर देखिए मैं डैप करते हुए इसको अब्जॉर्ब करवा रही हूँ अपने स्किन में। देन यहाँ मैंने लिया है अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र एंड उसको अपने हाथों पर लेके थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने लिया है, देन उसको अच्छे से वार्म करके एंड पूरे स्किन पे, नेक पे, बैक ऑफ द ईयर अच्छे से मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। देन मैंने लिया है अपना फेवरेट सनस्क्रीन जिसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है अपने चैनल पे। इनफैक्ट मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रखा है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख भी सकते हैं। यहाँ मैं जेनरसली सनस्क्रीन को अपने पूरे फेस पर, नेक पे एंड अच्छे से अपने हाथों पे प्रॉपरली अप्लाई करूँगी, ताकि हमने जो पूरा फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई किया है उसका असर जो है वो बना रहे, फर्दर हमारे स्किन पे और किसी तरीके का सन डैमेज या हीट डैमेज अपने स्किन पे ना हो। सो यस, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा समर स्किन केयर रूटीन। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे ही ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की तरह अपने स्किन को फ्लॉन्ट कर रही थी। सो या आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल थी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ इट इज यूजफुल फॉर देम। एंड ऑल्सो इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम और यू आर न्यू ऑन माई चैनल और येट यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।